हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो सकिक मैसेज है, इट्स ऑल अबाउट कि कैसे भगवान जी जो भी आप लोगों के बारे में नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक शब्द कहते हैं, उनको किस तरीके से सब भगवान जी सज़ा दे रहे हैं। एंड जब भी ये लोग आपके बारे में कुछ भी नकारात्मक कहते हैं कि यार देखो ये ऐसी है या वैसी है, टॉक्सिसिटी की उल्टियाँ जब आपके बारे में करते हैं, गलत कहानी बताते हैं, रूमर्स फैलाते हैं, द पॉइंट इज़ जो भी आपके ऊपर रूमर्स फैला रहा है, गलत बोल रहा है, जानबूझ के आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, इन सब के लिए राइट नाउ प्रॉब्लम शुरू होने वाला है। बिकॉज उनको ये काम नहीं करना चाहिए था जो कि अभी राइट नाउ वो लोग ये काम कर रहे हैं। सो प्रीटी मच भगवान जी इज़ लाइक उनको अभी सज़ा मिलने वाली है, स्पेशली जिन लोगों ने नकारात्मक ऊर्जा का साथ नहीं दिया एंड स्टिल मतलब द मेजर नकारात्मक ऊर्जा काम नहीं किया, बट स्टिल आपके बारे में गलत बोलते थे, गलत रूमर्स फैलाते थे, दे वे लाइक वॉन्टेडली मिसअंडरस्टैंडिंग यू एंड इस तरीके के शब्दावली से आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, टॉक्सिसिटी आपके लिए की है, उन लोगों के लिए नेक्स्ट 3 years to 5 years प्रॉब्लम होगा बिकॉज ऑफ उनकी रूमर्स के वजह से आपके लाइफ में। अब एक कदम आगे जाते तो 10 कदम आप पीछे आते थे, बिकॉज ऑफ देम इट हैपेंड। एंड प्लस एक और कैरेक्टर पर्सनैलिटी आपके लाइफ में थी जो कि है स्पेल वर्क आपके ऊपर किया है, किसी तरीके का नकारात्मक एंटिटीज आपके पास भेजे एंड दे डिड ऑल रॉन्ग ईविल डूअर्स एंड डेफिनेटली लगता है कि इट समटाइम्स आपके जान पे भी आई थी। सम ऑफ द केसेस आप स्टोरी भी बोल सकते हैं उन चीज़ों के बारे में। एट दैट टाइम गॉड प्रोटेक्टेड यू, गॉड सेव्ड यू एंड भगवान जी वहाँ पे आके आपको प्रोटेक्ट करें। स्पेशली जो लोग इस तरीके के नकारात्मक चीज़ें करें आपके ऊपर, उन लोगों के लिए वो लोग अभी स्पिरिचुअल जेल में जाने वाले हैं, स्पिरिचुअलिटी में उनका जेल में स्वागत किया जाएगा, वहाँ पे वो लोग रहेंगे। एंड द मिनट द फैक्ट इज़ वो लोग आपकी ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए था। सो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखना आई डोंट लाइक एनर्जी वैम्पायर, आई बैनिश देम इन द नेम ऑफ कृष्णा, डेफिनेटली डू राइट। एंड एक और बात, ये कैरेक्टर्स आपके साथ इसलिए इस तरीके से करे, दैट्स वाई उन लोगों के ज़िंदगी में अभी प्रॉब्लम्स आएंगी। एंड भगवान जी इज़ प्रीटी मच ही वॉज लिटिल एंग्री कि उनके बच्चों को, भगवान जी के बच्चों को राइट नाउ जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, ही वॉज क्वाइट एंग्री कि वो लोग अभी सज़ा भुगतने वाले हैं। भगवान जी चाहे आप स्पेशली अपने बच्चों को लेते हुए, ही इज़ वेरी पॉजिटिव एंड इनको लाइक कोई भी प्रॉब्लम करता है तो दे ही इज़ प्रीटी मच एंग्री। सो ये साइकिक मैसेज तो प्रीटी मच यही है कि आपके ऊपर किसी ने भी गलत शब्द कहे या टॉक्सिसिटी से आपके बारे में बात किया, उनको अभी प्रॉब्लम होने वाला है। स्पेशली जिन लोगों ने नकारात्मक ऊर्जा का साथ देते हुए स्पेल वर्क ऐसे कुछ किया है, तो वो लोग बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल जेल में जा सकते हैं, बहुत सारे लोग 10 years इश्यू हो सकता है। बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टर्स आप 10 years का भी आपके लाइफ में लाइक 10 साल हो गए कि ग्रोथ नहीं है एंड ऑल दोस काइंड ऑफ शब्द भी आप कह रहे होंगे राइट नाउ। सो डेफिनेटली गॉड इज़ लाइक प्रीटी मच आई एम नॉट फॉरगिविंग देम एंड उन लोगों को सज़ा ज़रूर मिलेगा एंड इस चीज़ से वो लोगों को ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, दैट्स वॉट प्रीटी मच गॉड इज सेइंग। सो दैट इज़ समथिंग, लेट्स सी अभी कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं इस साइकिक मैसेज को लेते हुए। और साइकिक मैसेज बस जस्ट इतना ही था कि वो लोग अभी भुगतने वाले हैं। आई कैन कंप्लीट द रीडिंग यहाँ पे, बट स्टिल हम कार्ड से देखेंगे। कार्ड सामने रखने से आप मतलब देख पाओगे एंड आपको थोड़ा बहुत टैरो आता है तो आप थोड़ा उसमें समझ सकते हो। सो दैट्स व्हाई मैं कार्ड निकालूंगी, बट अदर देन दैट साइकिक मैसेज इतना ही था कि वो लोगों को प्रॉब्लम होगा एंड वो लोग भी लाइफ में अभी हैंडर्स बैकलैशेस बैक स्टैब लाइक एंड स्टेप बैक लेंगे। लाइक जैसे आप एक कदम आगे लेते तो 5 कदम क्यों पीछे आ रहे हो आपको समझ में नहीं आता। सो राइट ना वो लोग भी इन चीज़ों से गुजरेंगे एंड स्पेशली जिसने स्पेल वर्क किया वो लोग को तो बड़ा परेशानी होने वाला है, दैट इज़ 100% या। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बेल नोटिफिकेशन पर दबाइए जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहेगी। शेयर कीजिए हमारे वीडियोज़ को फ्रेंड्स फैमिली के साथ, इस वीडियो को एक लाइक दीजिए। मैं हमेशा इंट्रो में डायरेक्ट वीडियो में चले जाती हूँ, डायरेक्ट साइकिक मैसेज के बारे में बात करने लगती हूँ। मैं क्यों हमेशा इंट्रो भूल जाती हूँ, बिकॉज दे आर मेनी पीपल वॉन्ट टू नो ये रीडिंग कैसे करती है। पहले तो मैं साइकिक मैसेजेस बताती हूँ, देन आई डू द रीडिंग एंड ये डेली गाइडेंस की तरह आप ये वीडियोज़ देख सकते हो, या फिर आप जब कभी भी इस वीडियो के सामने आ रहे हो तब भी आपके लिए क्लैरिटी मिल जाएगा इस वीडियो में। सो पूजा कटारिया .com दिस इज़ द वेबसाइट जहाँ से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग
बुक कर सकते हो. फॉर मी, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो दिस इज द ओनली वेबसाइट जहाँ से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो. दैट इज समथिंग. थैंक यू सो मच वॉचिंग. लेट्स सी कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या क्लियरिटी आ रहा है. ओके, थ्री ऑफ अर्थ. तो आपके लिए तो ये प्रीटी मच द एम्परर. लुक एट, आई टेल यू, मैं जब भी अपने कलेक्टिव स्पेशल चाइल्ड के बारे में रीडिंग करती हूँ, एम्परर 100% आता है. एम्परर इज द कार्ड जहाँ पे भगवान जी ने आपको पहले ही वो एक स्टेटस दे रखा है जहाँ पे आप हाई लेवल में रहते हो. एंड जस्ट बिकॉज कि आप अपने स्टूपिडिटी की वजह से उस चीज़ को आप छोड़ना नहीं चाहिए. एंड प्लीज़ अपने आप को हाई लेवल में सोचिए. देखिए, इन दोनों से तो आप हाई लेवल में, आप जो भी काम कर रहे हो, यू आर ऑन ए हायर लेवल. ओके, भगवान जी ये प्रीटी मच एकाद दोनों कॉम्बो में आके प्रीटी मच यही क्लियर कर दिए हैं कि राइट नाउ जो काम कर रहे हो इसमें भी आपको तरक्की मिलेगा, एंड फ्यूचर में आप जो भी काम करोगे उसमें से भी तरक्की मिलेगा. मतलब दो सोर्स कर रहे हो तो दोनों में से आपके लाइफ में मनी विल कम. सो दैट इज समथिंग, मनी विल कम. Again we have Alpha and Ten of Seas. That's a pretty beautiful cards. Nine of Sea, Star and Guardian. So, आप तो राइट नाउ द फैक्ट इज आप राइट नाउ ऑब्वियसली थिंकिंग अबाउट कि मेरा जो भी काम है, यू आर थिंकिंग अबाउट कि चलो इनको भी अपने साथ ले लूँ, उनको भी साथ ले लूँ. आपको डेफिनेटली कल का साइकिक मैसेज लेना चाहिए क्योंकि टीम वर्क इज नॉट द आंसर. एंड फॉर यू इज लाइक जब भगवान जी आपको इतना अबंडेंस दे रहे हैं, डेफिनेटली वर्क विद देम. बट एट द सेम टाइम प्लीज़ अपने बारे में सोचो बिकॉज यू आर एन एम्परर. एम्परर किसी के साथ काम नहीं करता. यू नीड टू नो बिकॉज यू आर एन अल्फा पर्सन. एम्परर पर्सन किसी के साथ काम नहीं करता. एंड प्रीटी मच एक आज यहाँ पे भी क्लियरली आ कि कल का साइकिक मैसेज की तरफ पॉइंट कर रहे हैं कि थिंक अबाउट यू, ओनली यू, एंड बाकी लोगों को बाय बाय बोलो. डेफिनेटली यहाँ पे प्रीटी मच क्लियर है कि आप बहुत सारे काम करोगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपकी ज़िंदगी में आएंगी. जस्ट थिंक अबाउट यू एंड डोंट नेगोशिएट विद पीपल. जो जो जिसकी मतलब जो पर्सन खुद की अपनी ज़िंदगी नहीं देख सकता, एंड वो पर्सन बोलता है नहीं तुम्हें मुझसे नेगोशिएट करना चाहिए. क्यों करे भाई, जबकि सारे रिसोर्सेस आपके हैं. एंड आप अगर आप वहाँ से चले जाए ना, वहाँ पर केओस हो जाएगा. अगर आप वहाँ से चले जाए ना, वहाँ पे चीज़ें ठीक से होगी भी नहीं. आप ही अथॉरिटी पर्सन हो, आप ही की वजह से वहाँ पे चीज़ें हो रही है. दे शुड ओबे यू, दे शुड ओबे यू, दे शुड बी लाइक सर जी हम नेक्स्ट टाइम क्या करें. दे शुड बी लाइक दैट, नॉट कि तुम करो. सो प्रीटी मच एंड यहाँ पे भी इस लाइक टीम वर्क की बातें नहीं बता रहे. आप अलग काम करो, आप अलग ही कर रहे हैं, इनको इन्वॉल्व नहीं करना है. प्रीटी मच द कार्ड इज ऑल्सो प्रीटी मच क्लियर. तो किसी को इन्वॉल्व मत करो. यू आर एन एम्परर. थिंक अबाउट योर फैमिली. जब आप अपने फैमिली के बारे में सोचते हो, जस्ट थिंक अबाउट फैमिली. थिंक अबाउट यू, थिंक अबाउट नेक्स्ट स्टेप ऑफ योर फैमिली कि कैसे आप उनके लिए प्रोवाइड कर सकते हो. इफ़ यू आर द वन, और लाइक इफ़ यू आर इन टू स्पिरिचुअल, हरे कृष्ण महामंत्र करो एंड बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. काउंट योर ब्लेसिंग्स क्योंकि भगवान जी अभी प्रीटी मच खतरनाक ब्लेसिंग पे ब्लेसिंग दे रहे हैं. काउंट योर ब्लेसिंग, काउंट योर स्पिरिचुअल पाथ. सी के आप कैसे स्पिरिचुअल पाथ में जा रहे हो, सच्चाई क्या है आपकी जिंदगी में. आप इनफैक्ट एक बेस्ट रिलेशनशिप में हो एंड राइट नाउ गॉड इज लाइक प्रीटी मच आपको एक इतने प्यारे रिलेशनशिप में रख रहे हैं जहाँ से आपको क्लियरिटी महसूस होती रहेगी, क्लियरिटी महसूस होती रहेगी. राइट,
एंड डेफिनेटली यू विल बी सैटिस्फाइड, यू विल बी लाइक प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आपने ऐसे डिसीजन लिए. एंड डेफिनेटली फ्यूचर में लग्जूरियस लाइफ है. राइट नाउ मे बी यू आर लिविंग गुड, फ्यूचर में लग्जूरियस लाइफ है, फ्यूचर में अबंडेंस लाइफ है, फ्यूचर में आपका पाथ क्लियर है. जो भी चीज़ है आप उस चीज़ों में, आपको मूवमेंट चाहिए उस चीज़ में मूवमेंट रहेगा, उसमें क्लियरिटी रहेगा, उसमें ग्रोथ रहेगा. यू आर प्रिटी मच लाइक ए डॉग स्टार कार्ड, लाइक प्रिटी मच अबंडेंस है, प्रिटी मच यू आर लाइक स्टार एनर्जी. सो डेफिनेटली वी हैव द डॉग स्टार कार्ड यहाँ पे, और ये प्रिटी मच बोलता है कि क्लियरिटी तो है. ओके, क्लियरिटी तो है, अबंडेंट है, फ्यूचर में चाहे कितना भी पास्ट में प्रॉब्लम है लेकिन मेरा फ्यूचर बहुत काम कलेक्टिव रहेगा, मेरा फ्यूचर ब्राइट रहेगा, मेरा फ्यूचर में यूनिकनेस रहेगा क्योंकि वो मेरा फ्यूचर है, किसी और का नहीं. एंड डेफिनेटली कॉन्स्टेंटली यू विल फील कि मैं एक बहुत ही हैप्पी प्लेस में हूँ. एंड यू हैव टू आस्क हेल्प फ्रॉम लॉर्ड जगन्नाथा कि आपके ज़िंदगी में कॉन्स्टेंटली ब्लेसिंग्स रहे, कॉन्स्टेंटली आपके ज़िंदगी में स्टेबिलिटी रहे, आपके ज़िंदगी में और भी ज़्यादा ग्रोथ रहे. यहाँ पे कार्ड्स प्रिटी मच देख के यही लगता है कि यू कैन बी स्कॉर्पियो स्पाइसिस और कैंसर और कैन बी एरीज. ओके, एंड डेफिनेटली या दैट्स एनर्जी. या फिर आप वर्गो टॉरस और कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड claim it that yes, I don't give attention to others but I always get attention from Krishna, in the name of Krishna, Hari Bol. Okay, and what cards are also pointing out guidance mein ki aapko apna plan ko fruitful hone ke liye khud se thoda communicate karna chahiye, apne aap se baat karo, aapke dimag mein jo bhi plan aata hai akele baitho, kamra band karo, wahan baith ke khud se baat karo and clearly declare karo ki dekho bhai ye mera plan hai, fir aapka dimag aapko kya bolta hai next, aapko plan kya karna chahiye. Khud se communicate jab jitna karoge utna clear rahoge, fir wo plan ek bar likho apne paas rakho. And definitely god is like pretty much saying ki har koi acha nahi hota lekin har koi aapke liye acha nahi hoga. And pretty much मैंने अभी फिर से देखा 12, 12, 12, 12, 21. So definitely that are the angel numbers शायद आप right now देख रहे हो. Pretty much जब मैं बोल रही थी कि आप दूसरों को entertain मत करो, so definitely do not entertain others, मगर आप ये चीज़ आपके entertainment के लिए है तो definitely करो. So pretty much आपको ground करने के लिए कहा जा रहा है. एंड pretty much God is saying कि हाँ जी, authority जब आपके पास है तो उस authority को रखो. एंड जिनको भी सज़ा मिल रही है उनको मिलेगी, लेकिन जहाँ तक व्हेन इट कम्स टू यू, अथॉरिटी आपके पास है तो अथॉरिटी अपने पास ही रखो, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट. प्लीज़, ओह थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू सो मच, आई एम सो सॉरी. ओके थैंक यू, हमें समझ गए, मुझे भी यही करना है. मैं इससे पहले जो जब जैसे मैंने अभी रीडिंग पैटर्न चेंज किया, सो मैं उसमें एक और चेंज कर रही थी व्हेन गॉड वाज़ सेइंग उसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं ये करना चाहिए. सो अभी जो रीडिंग पैटर्न है ऑन पॉइंट रीडिंग किया है. एंड प्रीटी मच गॉड इज लाइक दैट्स इनफ, दैट्स मोर देन इनफ, पॉइंट टू पॉइंट एवरी पॉइंट कवर हो चुका है, दैट्स व्हाट गॉड वाज़ सेइंग. एंड वेल डन, वेल डन, वेल डन जॉब, भगवान ने बोला. सो भगवान ने मुझे लाइक दे दिया है, सो दैट इज समथिंग. सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहेगी. शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ. इस वीडियो को एक प्यार सा लाइक आप जरूर दीजिएगा. सपोर्ट कीजिए अपने बहनों को. एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. PoojaKataria.com दिस इज द वेबसाइट जहाँ से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं. एंड किसी सेक्शन का भी रीडिंग आप मेरे से बुक कर रहे हो, हाफ एन आवर या वन आवर का, उसका रीडिंग आपको मिलेगा प्लस साइकिक मैसेज उसके साथ जो भी आ रहा है वो भी आपको दिया जाएगा. एंड एक और बात, आप कोई भी आपको कमेंट सेक्शन में आके कहता है कि आप पूजा कटारिया मैडम से आप यहाँ से रीडिंग ले सकते हैं, आप यहाँ पे आके कांटेक्ट कीजिए, प्लीज़ आप उनकी बात ना सुने, दोस पीपल आर स्कैमर्स. आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है तो आपको ये वेबसाइट के पास ही जाना होगा और इसी वेबसाइट से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो. सो डेफिनेटली आप इसका फ़ायदा उठाइए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हरे कृष्णा. एंड एक और बात, मैं जब भी रीडिंग करती हूँ मैं शुगर कोट नहीं करती हूँ, जो कार्ड्स में जैसा दिखता है, जैसा क्लियरिटी उसमें आ रहा है, मैं वैसे ही रीडिंग करती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हरे कृष्णा.